Hello children, welcome to your EVS video class. Children, today I'm going to start a new chapter, that is chapter number 17, Weather and Seasons. In the previous video, I completed your chapter number 16, Our Celestial Neighbors. Children, I hope you have completed the exercise or you may be completing that. Do complete it on time because I will be collecting your copies for correction. उसे पूरा कर लीजिए, वीडियोस को देखिए, additional questions जो भी हैं उसे भी करना है आपको कॉपी में. और अगर कोई डाउट है, कुछ ऐसा है, तो वो डेफिनेटली आप पूछिए मुझसे ऑनलाइन क्लास में. चैप्टर 17 हमें आज स्टार्ट करना है और ये है आपका, जैसे मैंने बताया, वेदर एंड सीजन्स. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि वेदर किसे कहते हैं और सीज़न किसे कहते हैं. वेदर, आपने ये वर्ड सुना होगा कि कल वेदर कैसा होगा, आज वेदर बड़ा ख़राब हो रहा है, अरे आज वेदर बड़ा अच्छा है, ऐसा जनरली बड़े लोग बात करते हैं. बच्चे तो नहीं बात करते हैं, लेकिन बड़ों में ये बात अक्सर होती है कि आज वेदर ख़राब हो गया है, या अरे आज तो वेदर बड़ा अच्छा है, मौसम बड़ा सुहाना है. मौसम इज़ डिफरेंट थिंग, हम वेदर की बात कर रहे हैं. मतलब सबसे पहले तो हर दिन सेम नहीं होता है ना, एवरी डे इज़ नॉट सेम. कभी धूप निकलती है, कभी बहुत क्लाउडी होता है, कभी बहुत तेज़ हवा बहने लगती है, कभी अचानक में बारिश शुरू हो जाती है ना. एवरी डे इज़ नॉट सेम. और वेदर जो है ना, इट डू नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द डे. पूरे दिन वेदर जो है वो सेम नहीं रहता. वेदर डू नॉट रिमेन सेम एवरी डे. एवरी डे भी सेम नहीं रहता और पूरे दिन भी हो सकता है सेम ना रहे. ध्यान से सुनिएगा, वेदर डू नॉट रिमेन सेम एवरी डे. हर दिन वेदर सेम नहीं रहता है और इट मे नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द डे. पूरे दिन भी हो सकता है सेम ना हो. कभी आपने देखा होगा कि सुबह तो बहुत तेज़ धूप निकली होती है और सडनली दोपहर होते होते आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है. या कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह मौसम बड़ा क्लाउडी होता है, लगता है कि अब बारिश होने ही वाली है और थोड़ी देर बाद धूप निकल जाती है. होता है ऐसा? या कभी क्या होता है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, बड़ा अच्छा सब है, धूप निकला हुआ है, सब अच्छा, और सडनली तेज़ हवा बहने लगती है. दोपहर होते तो तेज़ हवा होने लगती है और शाम होती है एकदम आंधी आने लगती है, जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे अंधड़ आ गया बोलते हैं, और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई, एकदम से मौसम बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं वो वेदर होता है. वो मौसम नहीं होता है, वो क्या होता है, उसी को हम कहते हैं वेदर. तो वेदर कैन बी हॉट, इट कैन बी कोल्ड, इट कैन बी रेनी, इट कैन बी विंडी, इट कैन बी क्लाउडी. ये बदलता रहता है एवरी डे, ये सेम नहीं रहता है. इट इज़ अ व्हाट डू यू कॉल, फ्यू आवर्स में भी चेंज हो सकता है. इट चेंजेस मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे. यू कैन से वेदर लास्ट ओनली फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए रहता है और ये बदलता रहता है. सुबह आपको ठंडा ठंडा लगेगा, दोपहर होते ही आपको गर्म लगने लगेगा, फिर शाम होते ही ठंडा लगने लगेगा. ऐसा होता है ना कभी कभी कि सुबह हमें ठंड लग रही है लेकिन दोपहर होते होते गर्मी लगने लगती है, फिर शाम होते होते फिर ठंडी लगने लगती है. मतलब ये इट लास्ट ओनली फॉर आवर्स एंड इट मे चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे. दिन भर में भी कई बार ये चेंज हो सकता है, इसी को हम कहते हैं वेदर. लेकिन सीजन जो है वो अलग होता है. सीजन क्या होता है, इट इज़ द वेदर कंडीशन, बट इट इज़ द वेदर कंडीशन विच लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. वेन द सेम टाइप ऑफ वेदर कंडीशन रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड सीजन. ओके, वेन weather condition continues for long time, when it remains for longer duration, it is called season. जैसे अभी हम winter मान रहे हैं, ठीक, winter मान कह रहे हैं, winter तो है ही ना. आपको रोज़ ठंडी लग रही है ना, ऐसा तो नहीं कि आज ठंडी लग रही है और कल बहुत गर्मी लगने लग रही है और उसके next day खूब बारिश होने लग रही है, ऐसा तो नहीं है. मतलब रोज़ हमें ठंडी लग रही है ना. भले दिन भर में पूरे टाइम ठंडी ना लगे, लेकिन ठंडी तो रोज़ लग रही है. हो सकता है कि सुबह लग रही हो, दोपहर को थोड़ी कम लग रही है, शाम को फिर लगने लग रही है, लेकिन रोज़ रोज़ ठंडी तो लग रही है ना. तो ये ठंडी रोज़ रोज़ लगना और ये हमें एक दो महीने तक लगता रहेगा, तीन चार महीने तक लगता रहेगा, तो इसको कहेंगे विंटर सीजन. दिस विल बी कॉल्ड विंटर सीजन. मतलब एक जैसा वेदर जब लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है तो उसको हम कहते हैं सीजन. दैट इज़ कॉल्ड सीजन.
अब जैसे मैंने बताया ना कि वेदर तो पूरे दिन में से अभी सेम नहीं रहता है। जैसे अभी विंटर का सीजन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमको रोज ठंडी लग रही है, भले हमें पूरे दिन भर ठंडी ना लगे लेकिन ठंड रोज लग रही है, ये इस पे ध्यान देना। एवरी डे वी आर फीलिंग कोल्डर, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा लग रही है, कभी कम लग रही है, पर लग तो रही है ना रोज़ ठंड, तो ये विंटर सीज़न है। सिमिलरली गर्मी का अगर मौसम है तो हमको रोज़ गर्मी लगेगी, ऐसा नहीं कि आज गर्मी लग रही है और कल ठंडी लग रही है और परसों नहीं लग रही है, हमें डेली डेली गर्मी लगेगी। और ये गर्मी हमें 2 महीने तक या 1 महीने तक लगातार अगर लग रही है तो वो समर सीज़न हो जाएगा। ओके, तो सेम वेदर कंडीशन जब ज़्यादा दिन तक रहता है तो उसे हम कहते हैं सीज़न। मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ इन सब चीज़ों को, कुछ वेदर के बारे में पहले, फिर सीज़न के बारे में। जैसे कि ना एवरी डे इज नॉट द सेम, इस चीज़ से एग्री करते ना, हर दिन तो सेम नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हर वक्त रहता है, एकदम डिट्टो सेम टू सेम हर दिन नहीं होता है। एंड द वेदर डज नॉट रिमेन सेम एवरी डे, द वेदर डज नॉट रिमेन सेम एवरी डे। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कैन बी सनी, इट कैन बी क्लाउडी, इट कैन बी सनी क्लाउडी हॉट कोल्ड विंडी, विंडी मतलब हवा बहने वाला, स्टॉर्मी, ओके, और रेनी, यू कैन से और रेनी। और क्या आप इसमें बता सकती हूँ, और बता सकते हैं कि वेदर लास्ट्स ओनली फॉर फ्यू आवर्स, इट चेंजेस मेनी टाइम्स ड्यूरिंग डे, इट चेंजेस मेनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। ये हो गया वेदर के बारे में। अब दिन भर का अब ऑब्जर्व करना कि जैसा हमें सुबह फील होता है वैसा हमें दोपहर को फील नहीं होता है ना, एग्रीड, जैसा हमें मॉर्निंग में लगता है वैसा हमें नून में नहीं लगता है। सुबह हमें हल्की हल्की ठंड लग रही है, अभी विंटर का मौसम है तो थोड़ा ज़्यादा ठंड लग रही है, फिर दोपहर आते आते हमें उतनी ठंड नहीं लगती है, फिर शाम होगी तो थोड़ा ज़्यादा ठंड लगने लगेगी, या उल्टा भी हो सकता है कि सुबह हमें उतनी ठंड नहीं लग रही है लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हमें ठंडी ज़्यादा लगने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये पूरे टाइम सेम नहीं रहता है, कभी बहुत तेज़ धूप निकल जाएगी, कभी बादल आ जाएंगे, कभी ठंडी लगेगी, कभी हवा बहने लगेगी, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन सीजन में क्या है कि सीजन्स आर द वेदर कंडीशन, सीजन्स आर द वेदर कंडीशन वेन द वेदर कंटिन्यूज, वेन द सेम वेदर कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा बोल सकते हैं, वेन द सेम वेदर कंडीशन, सेम वेदर कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, when same weather continues for longer duration या longer time, it is called season. Okay. और season कौन कौन से होते हैं हमारे इंडिया में, तो होता है summer season, winter season, then rainy season, autumn season, spring season, ये हमारे 5 main season हैं, हिंदी में 6 हो जाते हैं वो हिंदी के मंथ के अकॉर्डिंग, पर इंग्लिश में हम 5 main season मानते हैं, समर, विंटर, रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग,
ये 5 सीजन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हम इंडिया के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अपने कंट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम 5 मेन सीजन पढ़ेंगे, समर, विंटर, रेनी, ऑटम एंड स्प्रिंग, ये 5 सीजन। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी में हम ना 6 सीजन गिनते हैं, पर हम इंग्लिश वाले उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। स्टार्ट हम किससे करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे समर सीज़न से, ठीक है। समर सीज़न से स्टार्ट करते हैं कि समर सीज़न इंडिया में होता है अप्रैल से लेकर जून तक। ये भी मैं लिख देती हूँ, इसको इरेज कर दें, अगर आपने इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। यू मे टेक स्क्रीनशॉट अगर कुछ समझना हो तो, सिर्फ समझाने के लिए, नो नीड टू राइट डाउन दिस, ओके। इसको मैं मिटा दे रही हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे समर सीजन से। इंडिया में क्या होता है, ये अप्रैल से जून, अप्रैल से जून आर समर सीजन, ओके। क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या स्पेशलिटी है समर सीज़न की, क्या होता है समर सीज़न में? ये हम तो इंडिया में तो हम इतना फील करते हैं इस सीज़न को कि इसके लिए वर्ड्स ही कम हैं, है ना। इतनी गर्मी लगती है कि एसी भी हम उसका भी कूलिंग हमें कम लगने लगती है एक टाइम पर, है ना, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। तो ऐसा क्या होता है समर सीज़न में? समर सीज़न में क्या होता है कि जो सन रेज़ होते हैं, सन की जो किरणें होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, सन रेज़ जो होते हैं, दे फॉल स्ट्रेट, मतलब सीधा सीधी सीधी किरणें उसकी आती हैं, और सन जो है वो बहुत ब्राइट होता है, बहुत तेज चमकता है हमको समर सीज़न में। विंटर में देखोगे ना, इतना इतना तेज हमें सूरज की जो किरणें हैं, सो सनलाइट इतनी तेज नहीं लगती है, लेकिन समर सीज़न में तो एकदम ब्राइट, वेरी ब्राइट, द सनलाइट इज़ वेरी ब्राइट एंड इट फॉल स्ट्रेट ऑन अर्थ, एंड हर चीज़ जो होती है ना वो ड्राई हो जाती है, एवरीथिंग गेट्स ड्राई। नदी सूखने लगते हैं, पॉन्ड्स सूखने लगते हैं, पेड़ के पत्ते भी सूखने लगते हैं, घास भी सूखने लगती है ना, एवरीथिंग टर्न्स ड्राई इन समर सीज़न, एवरीथिंग टर्न्स ड्राई, द सन इज़ वेरी ब्राइट एंड इट इज़ वेरी हॉट इन समर। सबसे बड़ा करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ वेरी हॉट, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है समर सीज़न में। उसकी वही पहचान है, समर सीज़न की वही पहचान है कि गर्मी बहुत लगती है। और लोग क्या करते हैं फिर, लोग क्या ऐसे वुलन कपड़े पहनते हैं? मैं अभी स्वेटर पहन के वीडियो के सामने हूँ बिकॉज़ ठंड लग रही है थोड़ी शाम के टाइम तो। लेकिन क्या समर में ऐसा होता है? समर में हम क्या करते हैं, पीपल प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ, हल्के रंग के कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कूल हमें इफ़ेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें फ़ैन लगे होते हैं कॉटन के कपड़ों में, ऐसा नहीं होता ना, लेकिन कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो एयर को पास होने देते हैं, मतलब उनसे एयर ईजिली पास हो पाती है, वो हमारी बॉडी में चिपकते नहीं हैं, और वो पसीने से अगर गीले होते हैं तो सूखते भी हैं, मतलब वो पसीना एब्जॉर्ब करते हैं। कॉटन क्लोथ्स में स्वेट जो है वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, और स्वेटिंग बहुत होती है समर सीज़न में, पसीना बहुत आता है, बहुत स्वेटिंग होती है। तो कॉटन के कपड़े हम अगर पहनते हैं तो हमारे कॉटन के कपड़े उस पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, एयर को आर पार आने देते हैं, दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, और कूलिंग इफ़ेक्ट हमें देते हैं। अच्छा, फिर समर में हमें लिक्विड पीना बहुत अच्छा लगता है। अब लिक्विड मैंने अभी क्यों बोला कि सिर्फ पानी ही नहीं पीते हैं हम समर में, हम और भी बहुत सारी चीज़ें, पीने वाली चीज़ें पीते हैं। पानी तो अच्छा लगता ही है, पानी तो सारा दिन पीते रहते हैं क्योंकि प्यास बहुत लगती है, और उसके अलावा लस्सी पीना अच्छा लगता है ठंडी ठंडी, और नारियल पानी पीते हैं, और बच्चों का फेवरेट होता है कोल्ड ड्रिंक जिसको बोलते हो, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट पीते तो हैं समर में, सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। फ्रूट जूस पीते हैं, फ्रेश फ्रूट जूस ज़्यादा अच्छा है,
फ्रेश फ्रूट जूस पीजिए, छाछ जिसको बोलते हैं, यहाँ आपके उत्तर प्रदेश में मट्ठा बोला जाता है शायद, छाछ पीना पसंद करते हैं लोग। फिर और क्या पीते हैं, पन्ना, आम का पन्ना पीते हैं, आम पन्ना होता है, कच्चे आम से बनता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है, उसे लोग पीते हैं समर में। उसके अलावा जो बिहार बेल्ट है, बिहार के लोग क्या करते हैं, सत्तू जो होता है, सत्तू क्या होता है, इट्स जो रोस्टेड चना होता है ना, उसका पाउडर होता है, तो उसको घोल के भी पीते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, समर में बहुत हेल्दी ड्रिंक होता है वो, सत्तू को घोल कर पीना। तो इस तरह के मैक्सिमम लोग, मतलब लोग जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पसीना बहुत आता है और फिर शरीर में पानी को की कमी हो सकती है ना, तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी की कमी ना हो, और प्यास भी बहुत लगती है, तो इसलिए ये जितना होता है खाने से ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा लेते हैं। और लिक्विड में जितनी चीज़ें बताई कि वाटर तो मेन है, वाटर के अलावा जूस हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, आम पन्ना हो गया, सत्तू का घोल हो गया, और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते ही हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या इसकी स्पेशलिटी होती है समर की, कि दिन लंबे होते हैं। अब दिन लंबे का मतलब क्या है, दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, डेज आर लॉन्गर देन नाइट। ये होता है कि आप सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, मॉर्निंग आपको ना 4 बजे लगेगा उजाला हो गया, सुबह सुबह एकदम उजाला हो जाता है, और शाम अगर हो भी जाती है तो भी बाहर ब्राइट ही रहता है, उजाला ही रहता है, अभी की तरह नहीं। अभी क्या होगा, 4-5 बजते बजते अंधेरा होने लगता है, लेकिन समर में ऐसा नहीं होता है, 7 o'clock इवनिंग में भी उजाला काफ़ी रहता है, मतलब डेज़ आर लॉन्गर देन नाइट। अच्छा, और समर में क्या होता है, बहुत कुछ होता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, आज तो स्टार्ट किया है ना चैप्टर, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, समर सीज़न को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द सेम डिस्कशन। थैंक यू।